हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सब? अच्छा, मुझे ना एक हेल्प चाहिए आप लोगों की कि मेरे ना ये प्रेगनेंसी में यहाँ पे इसे चिक दोनों चिक्स एरिया पे ना बहुत पिगमेंटेशन बहुत झाइया हो गई है। तो अगर किसी पे कोई ऐसी होम रेमेडी हो ना जिससे ये ठीक हो जाए या कम हो जाए तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करना। मैंने डॉक्टर से इसकी दवाई भी ली थी और मैंने वो कुछ टाइम लगाई भी, लेकिन जब तक मैं वो लगाती रही तब तक तो ठीक रही, लेकिन फिर दोबारा दिख जाती है। और फिर डॉक्टर की जो दवाई होती है उससे ना स्किन भी बहुत सेंसिटिव हो जाती है, हम फिर स्किन पे कुछ यूज भी नहीं कर पाते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट थोड़ी ज्यादा हैं। अगर कोई ऐसी होम रेमेडी पता हो आपको जिससे ये पिगमेंटेशन और झाइयां कम हो जाए, अभी लाइट का इफेक्ट भी है और कैमरे में फिल्टर भी लगा हुआ है इस वजह से नजर नहीं आ रही है, पर है ये वाला एरिया और यहाँ पे मेरे बहुत सारी झाइयां हो गई हैं प्रेगनेंसी में जो अब ठीक नहीं हो रही हैं। तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज जरूर अपना कुछ तजुर्बा बताएं होम रेमेडी वाला जिससे ही थोड़ी कम हो जाए, ठीक हो जाए। तो चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आईवीएफ के जो इम्पोर्टेंट स्टेप है उनमें से एक है एग रिट्रीवल, एग पिकअप, ओवम पिकअप, कुछ भी कह सकते हैं हम। उसके बाद जब एग पिकअप हो जाता है तो उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर कब होता है? इसके दो स्टेप होते हैं, डॉक्टर दो तरीके से करते हैं, एक होता है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर, एक होता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब पहले हम बात करते हैं कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में होता है जिस दिन एग कलेक्ट करें, जिस दिन डॉक्टर हमारे एग ले लेते हैं उसी दिन हस्बैंड का सीमन लिया जाता है और 3 दिन का आपका एम्ब्रियो बना के या 5 दिन का एम्ब्रियो बना के वो वापस से सेम मंथ में या एग पिकअप होने के 5 से 6 दिन बाद दोबारा से यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो होता है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर। पर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर के सक्सेस रेट ना बहुत कम है। वो क्यों है कि जिस महीने में हमें एग बनाने के इंजेक्शन लगते हैं, 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगते हैं जो हमारे पेट पे एग बनाने के, उसमें उससे हमारी बॉडी का हार्मोन्स लेवल एकदम से बहुत बूस्ट हो जाता है। बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोन्स लेवल की जो होती है संख्या बढ़ जाती है। तो सेम मंथ में जब हमारा एम्ब्रियो भी ट्रांसफर किया जाता है तो बॉडी हमारी उस नए जीव को, नए एम्ब्रियो को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो कई बार ये साइकिल जो होती है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर की ये फेल हो जाती है। तो इसके सक्सेस रेट जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर के, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर के, वो थोड़े कम होते हैं। अब दूसरा क्या है, वो है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मेरा जो हुआ था वो फ्रोजन था, उसमें था मेरे एग पिकअप हो गए और फिर मुझे डॉक्टर ने अपने पास बुलाया, जैसे मैंने रिकवरी कर ली थी एग पिकअप होने के बाद 3 4 दिन, आपको पता ही होगा जिसका एग पिकअप हुआ है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, पेट फूलना, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, ये थोड़ी सी समस्याएं एग पिकअप के बाद आती हैं। फिर 4 से 5 दिन बाद डॉक्टर ने हमें बुलाया, उन्होंने बताया कि अभी ईटी जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, वो किया जाएगा अगले महीने। उन्होंने ही हमें ये बात समझाई थी डॉक्टर ने कि अभी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल की जो मात्रा है वो बहुत हाई है और इसीलिए बॉडी एम्ब्रियो ट्रांसफर अभी नहीं लेगी। तो एक काम करते हैं, हम पहले आपके पीरियड्स को आने देते हैं, पीरियड्स आ जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में अगले महीने में इसे हम प्लान करते हैं। तो जब मेरा फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था उसमें क्या हुआ था कि एग पिकअप कर लिया मेरा, उसके बाद फिर नॉर्मली जैसे साइकिल होती है पीरियड्स की, वो मेरे पीरियड्स आ गए। फिर पीरियड्स आने के 2 से 3 दिन बाद मुझे दोबारा डॉक्टर ने बुलाया था, फिर मेरे वही अल्ट्रासाउंड शुरू हुए और मुझे यूट्रस की लाइनिंग बनाने की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। डॉक्टर मेरा प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करने लगे कि नॉर्मल आया है कि नहीं हुआ है, तब जाके एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था। उस बीच में भी नेक्स्ट साइकिल में भी डॉक्टर ने बोल दिया था, जब मेरा ट्रांसफर होने से पहले बोल दिया था कि अगर हमें लगेगा कि सब कुछ ठीक है, बॉडी में आपके हॉर्मोन्स का लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है तो ही हम ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि फिर आपका अगले महीने ट्रांसफर किया जाए, इस महीने रोक दिया जाए। सब चीजों को अच्छे से देख के कैलकुलेट करके ही हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे, हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर लगेगा कि हाँ सब कुछ ओके है, बॉडी का हार्मोन्स लेवल ओके है और यूट्रस की लाइनिंग बहुत अच्छी है तो ही हम इस प्रोसेस को आगे करेंगे, ट्रांसफर आपका करेंगे। तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में यही हुआ था कि मेरे एग पिकअप करके उन्हें फ्रिज किया गया, एम्ब्रियो बना के उन्हें फ्रिज कर लिया गया और नेक्स्ट मंथ की साइकिल जब आई थी उसमें जब मेरी यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बन गई और बॉडी का हार्मोन्स लेवल भी बिल्कुल लेवल पे आ गया तब मेरे एम्ब्रियो ट्रांसफर किए गए थे। ठीक है, तो ये फर्क होता है कि फ्रेश और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में। फ्रेश में आपके 3 से 5 दिन बाद दोबारा से एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसकी सक्सेस रेट ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि बॉडी का हार्मोन्स लेवल इतना हाई होता है कि वो एम्ब्रियो को एक्सेप्ट कर कई बार नहीं कर पाती है। फ्रोजन में वही होता है कि
हार्मोन्स लेवल जो है वो लेवल पे आ जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, वापस अपनी जो नेचुरल उसके हार्मोन्स थे उनमें वापस आ जाती है, तब जाके एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, तो उसके सक्सेस रेट अच्छे होते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के सक्सेस रेट ज्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा जब मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए गई थी तो वहां पे मेरा एक सी प्रोसीजर था, एक सी प्रोसीजर और day 5 का ब्लास्टोसिस्ट मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था। और उससे पहले एटी ट्रांसफर होने से पहले डॉक्टर ने मुझे बोला था, नर्स ने बोल दिया था कि आप यूरिन का प्रेशर बना लो अपना। यूरिन का प्रेशर बना के अल्ट्रासाउंड किया जाता है वहां पे, अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पे दिखाया जाता है बकायदा कि देखो आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर हो चुके हैं, यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो। उसके बाद डॉक्टर ने हालांकि बोल दिया था कि आप यूरिन पास कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया था, मैंने आधा घंटा अपना यूरिन और होल्ड कर लिया था। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको भी करना ही है, हो सकता है भैया बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाए, तो अगर इमरजेंसी लगे तो आप पास कर लेना अपना यूरिन। मैंने आधा घंटा होल्ड में कर सकती थी आराम से, तो मैंने कर लिया था। एक बात और, जब एग पिकअप के बाद जो मुझे पीरियड्स आए थे ना, तो वो मेरी बहुत एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा हैवी ब्लीडिंग मुझे आई थी। तो आपके साथ किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो मुझे जरूर बताना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ ही कुछ बहुत अजीब अजीब चीज हुई हो। मुझे लगता है कि मेरे IVF के टाइम पे ना मेरे साथ बहुत सारी चीजें बहुत एक्सेस हुई हैं। फिर मैंने अपनी डॉक्टर को बताया कि मैम बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग मुझे आ रही है, तो उन्होंने फिर मुझे एक दवाई दी जिससे मेरी ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, नहीं तो बहुत हैवी ब्लीडिंग मुझे एग पिकअप के बाद आई थी। तो बताना आप भी कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे साथ ही ये चीजें हुई हैं IVF के दौरान। ठीक है, तो ये थी आज की फ्रेश फ्रोजन एम्ब्रियो की कहानी। ये कहानी सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए है। कृपया डॉक्टर के पास जाके अपना फालतू का ज्ञान ना दिखाएं, नहीं तो आपको ऐसी डांट पड़ेगी जैसी मुझे, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मुझे क्या कितनी डांट पड़ी थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था बहुत नेगेटिव हो, जाओ अपने ऊपर काम करो। तो ये जो आप वीडियो देखते हो ना, ये सिर्फ अपने तक ही रखें। हाँ, अगर आपको लगता है, पहले डॉक्टर की बात ना ध्यान से सुनो, फिर आपके पास ये राइट है कि आप उनसे सवाल कर सकते हो, पर पोलाइटली करना है, उन्हें मतलब इरिटेट नहीं करना है। ठीक है, मैं तो अपनी डॉक्टर को ना शुरू में इरिटेट कर दिया था, फिर उन्होंने मुझे धमका दिया अच्छे तरीके से, वो गलती मत करना, उनसे सवाल पूछो, पर पहले उनकी बातें अच्छे से सुननी है, ध्यान से सुननी है, फिर आपके मन में जो सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं। ऐसा ना हो कि YouTube की वीडियो देख के आप उनके ऊपर जाके उनके गुरु बन जाओ। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की वीडियो, और मन में कोई सवाल है अभी भी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टा पे मुझे फॉलो करके आप मुझसे DM कर सकते हैं, और कोई ज्यादा पर्सनल बातें हैं तो आप वहां पे इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।